एक छोटी सी वीडियो में स्वागत है आप सबका। तो ये देखो, आज के वीडियो में बनेगा ये सेम फली। दो प्रकार की है, एक है ये बैगनी वाला और एक है ये जो वाइट वाला, और साथ में आलू टमाटर, इसका रेसिपी बनेगा। तो आज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब इसको मैं ठीक से छोटे छोटे पीसेस में बना लेती हूँ, इसमें रेसे सब होती है, फिर उसके बाद में मैं मिलती आपसे। सेम फली कट के तैयार हो गया, देखो इतनी बड़े बड़े पीसेस में काटती हूँ। इसमें ऐसी करके दो दो पीस करके मैं काट दी, बना दी। देखो ज़्यादा छोटे करके भी अच्छा नहीं लगती, तो मैं अभी फ़िलहाल टमाटर भी इसी में डाल दिए हूँ, पांच टमाटर डाल दूँगी ना, और अब आलू काटूँगी। ये देखो इतना रेशा निकली है, ये इसकी ऐसी रेशा निकलती, इसको बढ़िया से निकालना होता है। ये देखो, तो अब आलू को पहले धो लेते, नया आलू है ना, तो उसमें मिट्टी लगी है। आलू धुल गया, देखो बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं चार ही पीस इसलिए हूँ, बहुत ढेर सारा हो जाएगा। तो अब मैं आलू को बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो सब्जी हमारे कट के रेडी हो गई, सेम फली और आलू की रेसिपी बनेगी। और टमाटर इधर है, प्याज भी कट गया, अब कढ़ाई भी रख दिए, कढ़ाई भी हो गया है गर्म। तो हम डालते हैं तेल, आज हम लोग रिफाइंड तेल से बनाएंगे, क्योंकि सरसों तेल डालने को है बोतल्स में, तो अब आज रिफाइंड से बनेगी सब्जी। तो ये देखो मेरा सेम फली और आलू, एक बार धो ली थी, फिर अभी मैं इसमें दोबारा पानी डाल दी हूँ। तो ठीक है, वीडियो में बने रहना, फिर दिखाते हैं। तो तेल हो गया गर्म, हम प्याज डाल देते हैं। तो आज हमारे ज़्यादा सब्जी है, इसलिए हम ज़्यादा ही प्याज काटते हैं। अब थोड़ा सा मसाले में भी पीस देंगे, इतना सा मसाले में। तो इसको मसाले में मैं डाल देती हूँ, और बाकी इसमें फिर इसको हम एक बार चला देते हैं, रुक इधर सब छोड़ देते हैं। तो मसाले के लिए हम लहसुन ले लिए हैं। देखो लहसुन के शक्ल ऐसी इसलिए है कि अब इसका निकलने का सीजन आ गया ना, आजकल लगा रहे लहसुन तब ऐसा दिखती है। और इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे मसाले में, तीन लाल मिर्च साबुत। और अब हम डालें इसमें ओ यार जीरा, ये देखो इतना सा जीरा डाल देती हूँ। और अब हम इसमें डालें धनिया, तो इसी में काली मिर्च मिक्स हो गई है, और दिख भी नहीं रही है, देखो इसी में है काली मिर्च। तो धनिया और काली मिर्च इसी में है, मिक्स हो गया, ज़्यादा धनिया के बीच में इसलिए नहीं दिख रही है। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, हम एक ही बार पीस देते हैं मिक्स करके, तो अच्छा हो जाता है। देखो एक चम्मच हल्दी पाउडर, तो बस अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गया, अब डाल देते हैं हम इसमें सब्जी रेसिपी। सब्जी बोल रही हूँ, बार बार मैं भूल जाती हूँ क्या करना क्या नहीं करना, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या बन रही है। तो सेम फली और आलू की रेसिपी है देखो। तो अब इसको हम अच्छी तरह से सबको डाल लेते हैं। तो आप सब्जी ये रेसिपी को डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से मिला देते, सेम फली और आलू की रेसिपी, कितना सुंदर। ये सब्जी बहुत मेरा ये फेवरेट सब्जी है ये वाला। तो ये देखो अब हम इसको अच्छी तरह से मिला दिए, आप ढक्कन लगा देते। तो देखो चेक करके देखते हैं हमारे रेसिपी कैसी हो रही है, बढ़िया तरह से देखो भुन जा रही है, पानी तो इसमें सूख गया। तो अब थोड़े देर इसको दो मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो अभी मिला लेते बढ़िया तरह से, उसके बाद और एक बार हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो अब ढक्कन लगा देती हूँ। तो हमारे सेम फली और आलू का रेसिपी को खोल के देखते हैं, तो लगता है इसमें पानी सूख गया है। अब इसको हम देखते
ये देखो बढ़िया तरह से भुंजा भी गया, ये देखो कितना सुंदर भुंजा रहा है, ये देखो ऐसा। तो अब हम इसमें अभी डालेंगे टमाटर। तो ये देखो मैं बारीक बारीक 5 टमाटर को काट के रखी हूँ, क्योंकि सेम फली में टमाटर ज़्यादा ही लगती है। और अब इसमें हम अभी नमक ऐड करेंगे, नमक भी पहले मैं नहीं डाली थी तो अपना अंदाजा से, क्योंकि सब्जी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही लगेगी नमक। अब इसको हम ऐसा करेंगे और नीचे रख देंगे तो ये अच्छी तरह से टमाटर पिघल जाती है, नहीं तो टमाटर साबुत साबुत रह जाएगी, फिर क्या फ़ायदा इसमें जब पक के मिलवे नहीं करेगी। तो बस ऐसा करके हम रख देंगे और अब हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। तो अब खोल के देखते हैं, ये देखो इसमें कितना पानी हो गया। मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले नमक नहीं डालती टमाटर के साथ ही। देखो टमाटर भी अच्छी तरह से गल गया, ये देखो बढ़िया तरह से। अब इसको मैं मसाला भूंजूंगी तो बढ़िया से भुंजा जाएगा। अब इसमें मैं अब मसाला डाल देती हूँ, इतना अच्छा हो गया सब। तो अब हम मसाला डालने जा रहे हैं, देखो मैं अभी डाल रही हूँ मसाला, थोड़ा लिक्विड करके डाल देती ना, क्योंकि इससे निकालना मुश्किल होती है। तो अब इसको चला के छोड़ दूँगी। तो सेम फली और आलू के रेसिपी देखो बन के रेडी। तो देख लो कितना सुंदर दिख रही है ये। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।